नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए कृषि कानूनों पर पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के किसानों की मांग पूरी की। ये कानून रातों रात नहीं आया है, राज्यों की सरकार ने कानूनों पर व्यापक चर्चा की। विपक्ष किसानों को भ्रमित करना बंद करे, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से निशाना साधा। मध्यप्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और किसानों को संबोधित करते हुए कृषि कानून के फायदे बताए और कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित करना बंद करे। देश भर के किसानों की मांग पूरी की है और ये कानून रातों रात नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। कहा राज्यों की सरकार ने कानूनों पर व्यापक चर्चा की, इसके बाद इस तरह से कानून बनाया गया है। ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष को कृषि कानून से पीड़ा नहीं है, मोदी ने कैसे और क्यों कर दिया तकलीफ इस बात की है, विपक्ष इसका सारा क्रेडिट खुद रख ले। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया, किसान कानून लागू हुए 7 महीने बीते हैं और मध्यप्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर क्या कुछ कहा, यह सुनवाते हैं। रातों रात नहीं आए हैं, पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों को की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाए तो उनके पुराने बयान सुने जाए, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए।